दोस्तों तो स्वागत है आप सभी लोग अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्माइल मेकर। स्माइल मेकर इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य और उसकी पूरी की पूरी वंशावली को कि किस तरीके से मौर्य साम्राज्य खड़ा हुआ, ये तो हम देख चुके हैं। लेकिन अब मौर्य साम्राज्य के अंदर किस किस तरीके का जो एक सिस्टम था वो रखा गया था, वो सारा आज की इस कड़ी में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आज थोड़ी सी लंबी होगी, उसका रीजन ये है क्योंकि आज पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य को समाप्त करने की एक अवधारणा मन में लेकर मैं उतरा हूँ और इसे मैं पूरी तरीके से आशा और उम्मीद रखता हूँ कि इसे पूरी तरीके से इस पर खरा उतर सकूं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके एडमिनिस्ट्रेशन पर, इसका पूरे का पूरा प्रशासन किस तरीके से खड़ा हुआ वो, इसके सैन्य संगठन पर, देन उसके बाद हम बात करेंगे न्याय और दंड व्यवस्था की, उसके बाद प्रांतीय शासन, स्थानीय शासन और फिर नगरीय शासन पर, इसके बाद समाज, वाणिज्य व्यापार, मुद्रा और इसका जो आर्ट और लिटरेचर रहा है उसका भी पार्ट हम लोग यहाँ डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि भारत के ऊपर सिकंदर का आक्रमण हुआ, सिकंदर के आक्रमण के कारण 16 बड़े महाजनपदों का एकीकरण हुआ, 16 बड़े महाजनपदों के एकीकरण होने से मान मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और पूरी तरीके से भारत एक राष्ट्र के रूप में केंद्र बिंदु बना और यहीं से राष्ट्रवादी संकल्पना या अवधारणा उत्पन्न हुई। पूरी तरीके से अगर राष्ट्र की बात करें तो ऋग्वेद के अंदर की जो राजनीतिक व्यवस्था के आयाम थे, द डायमेंशन जो आयाम थे, वो पूरी तरीके से कुछ इस तरीके से थे कि सबसे पहले कोई परिवार होता है, कुल होता है, परिवार के अंदर एक शासन प्रशासन संचालित करने वाली एक समिति होती है जिसे मदर या फादर या उसके द्वारा उत्पन्न बीवी बच्चों को लेकर गठित की जाती रही होगी। नेक्स्ट उसके बाद जब बात करते हैं कुल और परिवार से आने के बाद फिर एक ग्राम खड़ा हो जाता है, उस ग्राम में फिर एक वंश खड़ा हो जाता है, विश खड़ा हो जाता है, फिर जाकर भी जन की अवधारणा उत्पन्न होती है, फिर जन से आपका जो है पूरी तरीके से राष्ट्र का निर्माण होता है। यहाँ जो सोर्सेज हमें प्राप्त हुए वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त हुए, पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन यहाँ पुस्तक का विषय कतई भी इकोनॉमी नहीं है, पुस्तक का जो विषय है वो पूरी तरीके से POLITY, तो पुस्तक का जो विषय है वो है हमारा राजनीति। इसी पुस्तक के अंदर सारी की सारी राजनीतिक व्यवस्था के आयामों को मौर्य साम्राज्य के कहां रख दिया गया है, पूरा का पूरा उतार कर इस बोर्ड के ऊपर। मेगस्थनीस की बात करें जो आया दहेज में था, चंद्रगुप्त मौर्य चूंकि विवाह कर चुका था सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं, तो ये दहेज में आने के कारण जब मौर्य प्रशासन में आकर बैठा तो इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो थी इंडिका, और इन्हीं दोनों किताबों को आधार मानकर मौर्य साम्राज्य के बारे में जितना जुटाया जा सकता है उतना पूरी तरीके से इतिहासकारों ने जुटाने की कोशिश भी की है। समझिए कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है मौर्य साम्राज्य की, आप एक बात तो ये देख ले कि जैन और बौद्ध धर्म जिस फिलॉसफी पर काम करता है वो फिलॉसफी है अहिंसा, तो अहिंसा पर काम करने वाली फिलॉसफी, और जब शासन और प्रशासन के अंदर अहिंसात्मक तत्व होंगे या उन्हीं धर्मों के पोषक होंगे जो अहिंसा को लेकर पूरी तरीके से चले हो, तो वो शासन और प्रशासन भी कैसा होगा, एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को उत्पन्न कर रहा होगा, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रहा होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में इसी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्पष्ट भी किया गया है और उसमें बताया गया है कि राज्य का क्या कर्तव्य होगा और राज्य को किस अनुसार अपनी जनता, अपनी पब्लिक के लिए काम करने होंगे। इसी लोक कल्याणकारी व्यवस्था को यहाँ भी रखा गया, पहले समझ ले कि प्रशासनिक व्यवस्था का जो विभाजन है वो किस रूप में किया गया था। ग्राम यानी कि आज का आधुनिक जो गांव है, इस समय का वर्तमान जो गांव है वो सबसे छोटी इकाई है पूरी तरीके से प्रशासन की उस समय, और आज भी ग्राम प्रधान का चुनाव होना इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है वो आपकी ग्राम है। छोटे छोटे ग्रामों का समूह आज ब्लॉक के रूप में तब्दील हो जाता है। यहाँ क्या होता है कि यहाँ पहले तो ग्रामों की अवधारणा होती है, फिर 10 गांवों को एक साथ चूज किया जाता है, उन्हें चिन्हित करने के बाद संग्रहण के रूप में एक मतलब नाम दे दिया जाता है कि 10 गांवों को संग्रहण के रूप में स्थापित कर दिया गया। उसके बाद 200 गांवों को एकत्रित कर खारवटिक बना दिया गया, 400 गांवों को एकत्रित कर द्रोणमुख बना दिया गया,
800 गांवों को एकत्रित कर स्थानीय बना दिया गया और इसके बाद की जो संकल्पनाएं हैं ये पूरी तरीके से नगरों की ओर चली जाती है। यहाँ ग्राम का सिस्टम बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और यहाँ नगर से, यहाँ लिखा भी है, स्थानीय, नगरीय और प्रांतीय शासन से किस ओर, राष्ट्र या केंद्र की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। फिर आहार की बात होती है, ये भी प्रशासन की इकाई है, शासन और सत्ता की इकाई है। उसके बाद फिर मंडल का निर्माण होता है, उसके बाद चक्र होता है, इसलिए अशोक के नाम के सामने चक्रवर्ती सम्राट उसे रखा गया। मतलब केंद्र के जो बिल्कुल ठीक नजदीक है, क्योंकि शासन और सत्ता को संचालित करने वाले वो लोग नहीं होते जिनका फेस सामने होता है, किचन कैबिनेट के रूप में वो लोग भी होते हैं जिनका फेस कभी सामने नहीं होता और वही पूरी तरीके से राज्य को संचालित करते हैं। भारत के अंदर आज भी यही व्यवस्था है कि अगर आप वर्तमान शासक के रूप में एक फेस देख रहे हो तो वो फेस केवल इस बात को इंगित करता है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री या भारत के वर्तमान राष्ट्रपति या राज्यों के सीएम ये हैं, लेकिन उनके पीछे एक तंत्र, एक इकाई ऐसे काम करती है जिसका फेस हम पूरी तरीके से कभी नहीं देखते और वही पूरी तरीके से क्या होती है, केंद्र की इकाई होती है। तो यहाँ से ग्राम, संग्रहण, खारवटिक, द्रोण, मुख्य, स्थानीय, आहार, मंडल, चक्र और केंद्र, तो कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब राष्ट्र से जब सत्ता स्थानांतरित होती है तो वो 9 रूपों में विभाजित होकर सबसे छोटी इकाई ग्राम तक क्या होती है, पहुंचती है। तो ध्यान रखेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित हुआ, पूरी तरीके से अहिंसा पर आधारित समाज था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जिस धर्म का पोषक है वो जैन धर्म है, कौटिल्य चाणक्य जिस धर्म के पोषक है वो सनातन धर्म या वैदिक सभ्यता से प्रेरित है पूरी तरीके से। और अब जब इसका पुत्र आया चंद्रगुप्त मौर्य का शासन और सत्ता में, वो आजीवक संप्रदाय यानी कि वही 62 बड़े संप्रदाय जो जैन और बौद्ध धर्म के साथ साथ पूरी तरीके से उत्पन्न हुए थे उसी का पोषक रहा। और फिर अशोक के आ जाने से सोसाइटी पूरी तरीके से बुद्धमय हो गई और बुद्धत्व का विकास हुआ और यहीं से अहिंसा ने ऐसा स्थान लिया कि चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त अपने अर्थशास्त्र में राजा के न केवल नियमों को बल्कि राजा के क्या कर्तव्य होते हैं उन्हें भी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर पूरी तरीके से उल्लेखित करते हैं। तो एक सीरीज में आप ये चीज नोट कर लें कि केंद्र से चक्र, चक्र से मंडल, मंडल से आहार, आहार से स्थानीय, स्थानीय से द्रोणमुख, द्रोणमुख से खारवटिक, खारवटिक से संग्रहण और संग्रहण से बिल्कुल विनेसिस की ओर ये सारा का सारा सिस्टम चला जाता है। तो कुल मिलाकर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो इस तरीके से विभाजित है। यहाँ एक हेड होगा जिस हेड का नाम उसी के आधार पर जो पूरी तरीके से वैदिक सभ्यता में था ग्रामणी के रूप में, यहाँ एक अलग हेड होगा और यहाँ इन सब का एक अलग हेड होगा। मतलब कुल मिलाकर जो आज की शासन सत्ता है अगर आप उसे इस रूप में विभाजित करें तो वो किस रूप में होगी कि नरेंद्र मोदी यहाँ बैठे होंगे, जो वर्तमान शासक है वो यहाँ बैठे होंगे, चक्र के रूप में एक मंडल, चक्र के रूप में एक राज्य होगा, राज्य में एक मंडल होगा, मंडल में एक ब्लॉक होगा, ब्लॉक में छोटे छोटे गांव होंगे, छोटे छोटे गांवों की इकाइयां होगी और फिर पूरी तरीके से एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक किस तरीके से पहुंचा जा सकता है। यही शासन और सत्ता के आधारभूत नियम आज भी भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे और उस समय का संविधान जो लिखा गया वो पूरी तरीके से कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर लिखा गया। तो इसी को आधार बनाकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जानकारी प्राप्त होती है प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, वो इतनी सटीक है कि उसे साझा करने में किसी भी प्रकार की कोई हाइपोथेसिस या किसी भी प्रकार का कोई झूठ या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा मतलब तंत्र नहीं है जिसे पूरी तरीके से नकारा जा सके। तो ध्यान रखिएगा कि प्रशासनिक व्यवस्था वेलफेयर स्टेट पर खड़ी है और कुछ इस तरीके के कार्यक्रम वहां उद्घाटित होने लगे। अब हम बात करेंगे कि इस कल्याणकारी राज्य को स्थापित तो कर दिया लेकिन इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन किस किस रूप में होता था, ये आप चाहे तो पूरी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उससे पहले एक बात समझ लें कि सबसे पहले हम प्रशासन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सैन्य संगठन को, और ये सारे के सारे टॉपिक हम आज ही डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जो है या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जो थी आपकी, वो कुल मिलाकर 7 रूपों में 7 लेयर थ्योरी के अंतर्गत विभाजित की गई थी। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में
इन्हीं सात चीजों को बताया और पूरी तरीके से ये बताया कि अगर आपको किसी भी राज्य का प्रशासन जो है वो एक सुचारू रूप से अच्छे रूप से संचालित करना है तो फिर इन सात चीजों का आपको सहारा लेना होगा। नंबर एक, द टॉप मोस्ट राजा या किंग। अमात्य, ये बड़े हाई क्वालिफाइड हाई लेवल के आईएएस ऑफिसर्स हो सकते हैं आज के रूप में। अमात्य पूरी तरीके से आईएएस ऑफिसर्स या आईपीएस ऑफिसर्स या आईएफएस जो भी है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर राजा सर्वोच्च स्थिति में, उसके बाद उसके नीचे जो होंगे योग्य अधिकारी होंगे, इसमें आपका मंत्री परिषद भी हो सकता है, यानी कि जो राजा को समय समय पर सलाह देगा वो पूरी तरीके से यहाँ। उसके बाद जो प्रशासनिक अंग नंबर तीन है जनपद के रूप में, तो जिस तरीके से आज एक जिले के अंदर एक आईएएस ऑफिसर होता है, एक आईपीएस ऑफिसर होता है, उसके बाद उसके उसी टेक्निक पर काम करते हुए पूरी तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा किया गया था और इस जनपद के अंदर की व्यवस्था भी एज इट इज थी। उसके बाद कोई दुर्ग या किला या पुर का मतलब भी किले के रूप में ही होता है, तो जिन नामों के आगे पुर है, यानी कि कहीं ना कहीं ये बहुत पुरानी इकाइयां हैं शासन और प्रशासन की, जैसे सहारनपुर, ठीक है, दुर्ग और किला रामपुर, तो ये दुर्ग और किले में विभाजित। उसके बाद कोष और धन को पांचवा स्थान दिया गया, मतलब राजा नंबर फर्स्ट पर है, लेकिन आज के राजा क्या करते हैं कि सबसे पहला प्राथमिक स्थान कोष और धन को देते हैं अपने स्थान के बाद, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ राजा का नंबर अगर सर्वोच्च स्थिति पर है तो यहाँ कोष और धन को नंबर पांच पर रखा गया। जो भी ट्रेजरी होगी या जो भी संचित निधि होगी, टैक्सेशन जो पॉलिसी से पैसा एकत्रित होगा, वो पूरी तरीके से राज्य को संचालित करने में क्या करेगा, एक सहायता प्रदान करने वाला। दंड और सेना कौटिल्य का एक सबसे बड़ा सूत्र ही है, शाम, दाम, दंड और भेद। नंबर तीन दंड को मिला, दंड और सेना। यदि राज्य के अंदर ये अमात्य अयोग्य घोषित हो जाते हैं या किसी प्रकार का असामाजिक तत्वों के द्वारा विद्रोह किया जाता है तो उसके लिए एक सेना भी है और उन्हें दंड देने का प्रावधान भी रखा गया। और नंबर सात है आपका मित्र। तो कुल मिलाकर सात रूपों में, सेवन लेयर थ्योरी पर काम करने वाली ये प्रशासनिक इकाइयां अस्तित्व में थी। और किस तरीके से, पहले तो पूरे के पूरे सोसाइटी को विभाजित किया गया, एक गांव से लेकर 10 गांव, 10 गांव से 200, 200 से 400, 400 से 800, और उसके बाद फिर राष्ट्र की संकल्पना तक गए, और फिर राजा और उसके प्रशासनिक अंगों को यह कहा गया कि आप किस किस तरीके से काम करेंगे, ये सेवन लेयर थ्योरी या साप्तांग सिद्धांत में पूरी तरीके से लिखा गया। सवाल इस तरीके से आए कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत कौटिल्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किस सिद्धांत के अंतर्गत राजा और उसके अंगों को सात रूपों में विभाजित किया गया, तो आपका आंसर होगा साप्तांग सिद्धांत। इसके बाद पूरी तरीके से अब बात करेंगे सैन्य संगठन की, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो सैन्य संगठन पर विचार करने से पहले आप पहले ये समझ लें कि जो ब्यूरोक्रेसी थी वो भी अपने चरम पर थी, मतलब कुल मिलाकर जो आज पद सोपान तरीके से नौकरशाही को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि पहले ग्रुप डी, उसके बाद ग्रुप बी, उसके सॉरी ग्रुप सी, उसके बाद ग्रुप बी, और सर्वोच्च लेवल पर पूरी तरीके से ग्रुप ए के सर्विस करने वाले लोगों को रखा गया है, उसी तरीके से पद सोपान में सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी को सजाया गया था। मैक्स वेबर जो अपनी ब्यूरोक्रेसी में कहते हैं, समाज शास्त्र का अगर कोई विद्यार्थी हो तो वो समझ रहा होगा कि मैक्स वेबर जब पूरी तरीके से अपनी थ्योरी में पद सोपान जैसी व्यवस्था को रखते हैं, तो हम लोग ये व्यवस्था अपनी ब्यूरोक्रेसी में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा आज से कई हजार साल पहले मतलब रख चुके थे। तो सर्वोच्च अधिकारियों की कुल संख्या थी टोटल 18, टोटल नंबर 18, 18 सर्वोच्च अधिकारी हैं। तो आप इसे समझ लें कि जिस प्रकार आज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, क्या गया, तो उसकी एक पोस्ट होती है, तो उस पोस्ट पर बैठाया जाने वाला जो व्यक्ति होगा वो भी योग्य होगा। तो आप ये समझ लें कि निर्वाचन आयोग का कोई अधिकारी है तो वो भी योग्य होगा, तो इसी तरीके से मान्यवादी जो होगा वो भी योग्य होगा। तो कुल मिलाकर राजा के आसपास और सारे के सारे राज्य को संचालित करने हेतु जो कुल संख्या रखी गई वो थी
18 और इन सर्वोच्च अधिकारियों को पूरी तरीके से आप आज क्या आधुनिक चीफ सेक्रेटरी लेवल के रूप में एक आईएएस ऑफिसर को, एक आईपीएस ऑफिसर को, एक आईएफएस ऑफिसर को मान सकते हैं पूरी तरीके से, कि जो सर्वोच्च अधिकारी था उसे तीर्थ, तीन नामों से पुकारा जाता था, तीर्थ, महापात्र या अमात्य। मैंने अभी बताया कि योग्य लोगों का, योग्य व्यक्तियों का जो समूह था वो अमात्य था, इसे ही तीर्थ और महापात्र के रूप में पूरी तरीके से क्या नाम है उल्लेखित किया गया है, जिनकी कुल संख्या है टोटल 18। तो 18 ऐसे लोग हुआ करते थे जो राजा के आसपास पूरी तरीके से उसे एडवाइस देने के लिए काम करते थे, और उन्हीं की एडवाइस का बहुमत निकाल कर तब पूरी तरीके से कोई भी फैसला जो है शासन में लिया जाता था। तो मतलब ये देखिए कि आज से लगभग 2000 या 2500 साल पहले की जब मैं बात कर रहा हूं, तो उस प्रकार के मतलब जब आप उस समय की बात करें, तो उस समय के जो शासक हैं वो इतने अच्छी तरीके से अपने शासन और सत्ता को संचालित कर रहे हैं कि आज की वर्तमान व्यवस्था भी दंग रह जाती है। और जब भारत का संविधान लिखा गया तो ना केवल इसने पूरी तरीके से सारे के सारे आसपास के संविधानों को एकत्रित करके अपने मौलिक रूप को उभारा है, बल्कि भारत के अंदर हुए प्रशासनिक और राजनीतिक आयामों में जो परिवर्तन थे वो भी कहीं ना कहीं आज भारत के संविधान में उसकी एक झलक देखने को मिलती है। तो जब भारत का संविधान पढ़ेंगे उसमें भारत के इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने खुलेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि प्रांतीय शासन, स्थानीय शासन और नगरीय शासन तो एज इट इज है, जिसमें कोई पूरी तरीके से बदलाव हुआ नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज एक परंपरागत समाज रहा और परंपरागत समाजों में चीजें ज्यादा जल्दी बदलती नहीं है। तो यही सारी की सारी जो व्यवस्था है वो आज वर्तमान व्यवस्था में इस रूप में खड़ी है कि आप इस नौकरशाही को आज के रूप में अगर देखेंगे तो वो हूबहू आपको अशोक के शासनकाल के समय या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय की नजर आएगी। सर्वोच्च अधिकारी आज भी होते हैं जो पूरी तरीके से राजा को क्या देते हैं, या कहें तो कुल मिलाकर हमारे वजीर आजम साहब को जो पूरी तरीके से एडवाइस देते हैं वो चीफ सेक्रेटरी लेवल होता है, और इन्हें आपका तीर्थ और महापात्रों के रूप में क्या किया गया है उल्लेखित। बात करते हैं सैन्य संगठन की, तो बात करें इसके सैन्य संगठन की। सैन्य का मतलब सेना से है, वो जल भी हो सकती है, वो थल भी हो सकती है, वायु भी हो सकती है। तो उस समय के हिसाब से वायु सेना तो अगर हम ना भी कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आज के वर्तमान दौर में वायु सेना का तो पूरी तरीके से रुझान है, लेकिन उस समय के दौर में शायद पूरी तरीके से वायु सेना का विलोपन था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो आपका जल और थल दो प्रकार की सेना पूरी तरीके से काम करती थी, क्योंकि चार बड़े जलमार्ग और चार बड़े स्थल मार्गों की खोज करके चला गया पूरी तरीके से कौन, सिकंदर। सिकंदर जिस टेक्निक से भारत आया, तो ये बात समझिए कि कोई तकनीक अगर भारत तक आती है, आज भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी अगर भारत के अंदर आती है और भारत का कोई आदमी उसमें काम करता है और कुछ ही दिनों बाद वो कंपनी बंद हो जाती है, तो कहीं ना कहीं काम करने वाला जो आदमी है कंपनी के अंदर तो वो कुछ तकनीक तो सीख रहा होगा ना, और उसी तकनीक को सीख कर भारतीय मेड इन इंडिया का ब्रांड लगाकर अपनी चीजों को पूरी तरीके से प्रचारित प्रसारित करने लगे। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि जो भी टेक्निक उस समय उन लोगों के आमने सामने रही, जो उस समय रहे होंगे, तो उन लोगों ने वो सारी टेक्निक अपना कर वो सारे के सारे अप्लाई कर दिए कहां, अपने पूरे के पूरे साम्राज्य के, अपने पूरे के पूरे एम्पायर के अंदर, चाहे वो जल क्षेत्रों में विकास हो। तो अगर चार बड़ी जलमार्गों की खोज करके आप नाव से जा रहे हैं पूरी तरीके से भारत से वापस, तो भारत भी तो नाव या जहाज, ये जो पानी के जहाज हैं, जो बड़े बड़े शिप हैं, उनका इस्तेमाल उस रूप में वाणिज्य व्यापार के रूप में करता रहा होगा, और अपने सीमांत क्षेत्रों को कवर करने के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस सारे के सारे सिस्टम का सहारा भी लिया गया होगा। थल सेना की बात करें तो थल सेना ठीक उस प्रकार की है जिस प्रकार चेस होता है हमारा, शतरंज होता है हमारा, तो शतरंज होता है जिस प्रकार से, उसी शतरंज के हिसाब से सबसे आगे जो चलने वाले सैनिक थे वो पैदल सैनिक थे। पैदल सैनिकों के पीछे उन्हें कवर करने वाले, चाहे वो घोड़ों की फौज हो, चाहे वो हाथियों की फौज हो, चाहे वो ऊंटों की फौज हो,
चाहे वो वजीर हो और चाहे वो आपका रथ पर बैठा हुआ राजा हो। तो मतलब कुल मिलाकर शतरंज की विशाद पर चार प्रकार से सेना का वर्गीकरण किया गया और इसे कहा गया चतुरंगिणी। चतुरंगिणी तो चतुर यानी कि चार प्रकार से गणों की यानी कि लोगों का बंटवारा करने के बाद सेना स्थापित हुई, पैदल, हाथी, घोड़ा और रथ। जो सीमांत एरिया जो भी सीमांत एरिया था, जो कवर्ड किया जाता था, सिक्योर्ड किया जाता था, वो पूरी तरीके से दो प्रकार के लोगों के द्वारा या दो प्रकार के नाम उस आदमी को दे दिए गए जिसके द्वारा वो सिक्योर्ड किया जाता था। एक तो था आपका दुर्गपाल, दुर्गपाल, और एक था आपका अंतपाल। अंत का मतलब एक छोर से है, मतलब कुल मिलाकर इसे ऐसे समझे कि आज का जो वर्तमान भारत है वो उस समय भी ऐसा ही था। अगर उसके स्थलीय स्वरूप की बात करें तो उसमें कोई ज्यादा बदलाव आया नहीं, लेकिन जो शासन और प्रशासन का बदलाव था वो बहुत ज्यादा रूप में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो मतलब कुल मिलाकर अगर इस तरीके से ये भारत का एक छोर है और भारत के इस छोर को सिक्योर करना है पूरी तरीके से, तो ये एरिया दे दिया गया किसी आदमी को और इस एरिया के बॉर्डर एरिया को कवर करने वाला जो होगा सीमांत क्षेत्रों को वो दुर्गपाल होगा, वो अंतपाल। तो सवाल आएगा कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत या सैन्य संगठन के अंतर्गत सीमांत क्षेत्रों की रक्षा करने वाले अधिकारी को, व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा दुर्गपाल या अंतपाल। तो आप इसे पूरी तरीके से क्लियर कर लें कि प्रशासन को एक रूप में, अलग रूप में, कहीं नोटबुक में नोट करके लिख लें कि सारे के सारे सवाल जो पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। प्रशासन को एक अलग रूप में नोट कर लें, सैन्य संगठन को एक अलग रूप में नोट कर लें, और ये जितने भी हेडिंग्स लिखे हैं, चाहे वो समाज हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो राजनीति हो, और वो चाहे उसका धर्म हो, चाहे कला हो, चाहे साहित्य हो, सवाल मैक्सिमम यहीं से पूछे जाते हैं। तो आप इसे इस रूप में भी नोट कर ले कि सवाल जो आएंगे वो सारे के सारे यहीं से आएंगे। अब इसकी बात करते हैं न्यायिक व्यवस्था की और दंड व्यवस्था की। अभी तक हम लोगों ने दो टॉपिक डिस्कस किए, नंबर एक प्रशासन और नंबर दो सैन्य संगठन। तो अब डिस्कस जो स्टार्ट करते हैं वो पूरी तरीके से न्याय और दंड प्रशासन पर पूरी तरीके से करेंगे। तो न्यायिक व्यवस्था ठीक उसी प्रकार की है जिस प्रकार के वर्तमान भारत के अंदर पूरी तरीके से न्यायिक व्यवस्था रखी है। न्याय को अंतिम रूप तक सुचारू करने हेतु जनता के बीच में पूरी तरीके से शांति और सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। वो भी किस माध्यम से? कि जो नगरीय शांति सुरक्षा का अध्यक्ष होता था वो नगराध्यक्ष के रूप में जाना जाता था। आज आप देख रहे होंगे कि एक जिले के ऊपर एक कप्तान होता है, एक आईपीएस ऑफिसर होता है, उस कप्तान के अंडरटेकिंग बहुत सारे थाने होते हैं और उन थानों के अंदर बहुत सारे गांव ग्राम होते हैं और उन ग्रामों का एक एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर मान लिया जाए तो सबसे पहले तो ग्रामीण ही होगा, ग्राम का प्रमुख होगा, फिर गांव के ऊपर एक न्यायपालिका होगी। लेकिन जब आज के आधुनिकता की बात करें तो यहाँ थानाध्यक्ष बोला जाता है और इन सारे थानाध्यक्ष का जो बिग बॉस है वो कप्तान है। तो वो कप्तान ही पूरी तरीके से नगराध्यक्ष हुआ करता था जिसकी जिम्मेदारी थी कि नगरीय शांति सुरक्षा को सुचारू रूप से किस तरीके से संचालित करना होगा। दूसरी बात ये कि इस नगरीय व्यवस्था में इंटेलिजेंस का अपना एक महत्वपूर्ण रोल था जो कि गूढ़ व्यक्तियों के द्वारा, उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान हुआ करते थे, अलग अलग रूप बदल कर, अलग अलग भेष बदल कर नागरिकों के बीच में वो लोग रहा करते थे और पूरी तरीके से वो सारी सूचनाएं जुटाया करते थे जिन सूचनाओं के आधार पर राज्य को ये मिल सके कि कहीं कोई हरकतबाजी तो नहीं हो रही है, और अगर हरकत होती है तो उसे पूरी तरीके से उसी स्थान पर, उसी जगह जहां से वो उद्घटित हुई है वहीं पर पूरी तरीके से उसे खत्म करने की पूरी गुंजाइश भी रखी जाती थी। तो आज का जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है वो भी उस समय था, रोज इसे कहते हैं, वो भी उस समय था। आज का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी है, वो भी उस समय था।
आज का जो सीबीआई है वो भी उस समय था, लेकिन पूरी तरीके से राजतंत्र होने के साथ साथ राजा ही न्याय व्यवस्था का प्रधान था। तो मतलब कुल मिलाकर आज भी अगर एक चीज होती है कि मृत्यु दंड से अगर कोई आदमी बचा सकता है भारतीय नागरिक को, तो वो पूरी तरीके से कौन है? भारत का राष्ट्रपति है। तो न्याय व्यवस्था का अंतिम और सर्वोच्च प्रधान जो था वो राजा था। लेकिन अगर न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका का स्तर आज से कहीं ज्यादा बेहतर था। आज जिले या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट का निर्माण किया गया है, वहां छोटे मोटे झगड़ों को इन थानों तक कभी पहुंचने ही नहीं दिया गया और गांव में ही ग्राम न्यायालय की स्थापना कर पूरी तरीके से ग्रामीणी को यह अधिकार था कि वो राज्य के संविधान के अनुरूप पूरी तरीके से सुनवाई का अधिकार रख सकता है। अगर आज भी भारत के अंदर ऐसा हो जाए कि हर एक गांव के अंदर एक छोटी सी न्यायपालिका हो, जो छोटी न्यायपालिका पूरी तरीके से गांव के अंदर ही गांव की सारी समस्या को सुलझा सके, तो फिर ये छोटे छोटे केस जो हैं बड़ी अदालतों तक नहीं जा पाएंगे, और बड़ी अदालतों तक न जा पाने के कारण पूरी तरीके से न्यायपालिका का जो बोझ है वो कहीं ना कहीं घट सकेगा। हालांकि इसके अंतर्गत खर्चा बहुत आएगा, फिर एक पोस्ट की और अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी, और फिर पूरी तरीके से ये सरकारी भार होगा एक किस्म से। लेकिन अगर चीजों को पूरी तरीके से सॉल्व आउट करना है तो इस ओर सरकार को ध्यान देना होगा कि जिस तरीके से मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ग्राम न्यायालय को प्राथमिकता दी गई है, आज भारत के अंदर इस ग्राम न्यायालय की कहीं ना कहीं स्थापना की जाए। इस स्थापना से यह होगा कि गांव के अंदर छोटे मोटे केस किस्सों को वहीं का वहीं सुलझा दिया जाए, जिससे पूरी तरीके से इस चंगुल से पूरी तरीके से बचा जा सके। क्योंकि आज भी पुलिस को देखकर चाहे आपके पास सब कुछ है, तब भी कहीं ना कहीं एक असुरक्षा का भाव पैदा होता है एक आम नागरिक के अंदर, क्योंकि पूरी तरीके से जो देश की वर्तमान व्यवस्था है उससे लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं उठता जा रहा है। और सिविलियन में होने के बावजूद पुलिस अब उतनी अच्छे खासी रूप में रह नहीं गई जिस रूप में इसे गढ़ा जाना चाहिए था। तो मतलब एक कप्तान का तो अच्छा मान सम्मान होता है, लेकिन पब्लिक के बीच में रहने वाला जो व्यक्ति है, थानाध्यक्ष है या उससे निम्न स्तर के जो अधिकारी हैं, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मतलब पीड़ित भी है, और उनके द्वारा कहीं ना कहीं समाज पीड़ित भी है, सभी से नहीं लेकिन कुछ है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर सरकार के कानों तक ये बात जा रही हो तो वो इसे समझ लें कि ग्राम न्यायालयों की आज इतनी सख्त आवश्यकता है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट तक छोटे छोटे मामलों को आने से रोक सकती है तो वो केवल और केवल एक न्यायपालिका होगी, और वो होगी ग्राम न्यायपालिका। ग्राम न्यायपालिका से पूरी तरीके से स्थानीय आहार खारवटिक द्रोणमुख, और यहाँ से पूरा का पूरा जो साम्राज्य खड़ा था प्रशासनिक व्यवस्था में या शासन और सत्ता में, तो हर एक के ऊपर एक न्यायपालिका होती थी, चाहे एक गांव का समूह हो उसके ऊपर भी, उसके बाद चाहे वो 10 गांव का समूह हो उसके ऊपर भी, 200 गांव का समूह हो उसके ऊपर भी, 400 गांव का समूह हो उसके ऊपर भी, 800 गांव का समूह हो उसके ऊपर भी, आहार के ऊपर भी, तो चक्र के ऊपर भी, और फिर पूरे के पूरे राज्य के ऊपर एक केंद्रीय न्यायपालिका के रूप में इस तरीके से चीजों को सजाया गया था। क्योंकि दुनिया का सबसे बेहतरीन मस्तिष्क मौर्य साम्राज्य के पास था, और वो था चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। हालांकि मैंने बात की कि पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन पुस्तक के अंदर राजनीति के वो आयाम है, वो डायमेंशन है कि मैकियावेली या आज विदेश के बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स को ये पूरी तरीके से प्रासंगिक हो जाते हैं, और वो पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या चाणक्य एक ही आदमी था कि जिसके द्वारा ये सारे के सारे नीति राज करने की शासन करने की लिखी गई, या ये 15-16 लोगों का एक समूह था जिसके द्वारा अर्थशास्त्र को गढ़ाया गोड़ा गया। तो मतलब कुल मिलाकर न्याय और दंड व्यवस्था इस तरीके से थी कि ग्राम न्यायालय से लेकर केंद्रीय न्यायपालिका की स्थापना थी, राजा प्रमुख था, इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत अच्छा काम करती थी उस समय के हिसाब से, नगरीय शांति सुरक्षा के लिए नगराध्यक्ष था। तो आज की व्यवस्था में केवल ये नाम चेंज हुए हैं, व्यवस्था एज इट इज है, इतिहास पढ़ना इतना भी मुश्किल नहीं है। आज की जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वर्तमान व्यवस्था में जो भी शासन और सत्ता की धुरी के आसपास घटित हो रहा है, वही पिछले 2000 साल पहले, वही पिछले 3000 साल पहले, और वही पिछले 10000 साल पहले विघटित हुआ है। तो सारे की सारी चीजें आपके सामने पड़ी हैं, बस आपको उस दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है
कि आप अशोक को अशोक के रूप में प्राचीन भारत के इतिहास के रूप में पढ़ रहे हैं या आज के वर्तमान शासक और शासन के रूप में अशोक को पढ़ रहे हैं। यही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बच्चे से डिमांड होती है कि वो चीजों को वर्तमान से जोड़कर पूरी तरीके से करंट से जोड़कर चीजों को पढ़े, तब जाकर इतिहास को पढ़ने का अपना एक अलग ही नजरिया होगा और इतिहास को तब जाकर महत्व भी मिल सकेगा। अब बच्चों ने क्या समझ लिया कि इतिहास बस राजा रानियों की कुछ कहानी किस्से हैं और कुछ टीचर्स भी ऐसे ही हैं कि बस कहानी किस्से में फंसा दिया बच्चों को, लेकिन कभी पिछले 3000 साल की व्यवस्था को या पिछले 10000 सालों की व्यवस्था को पूरी तरीके से लाकर यहां नहीं जोड़ा गया। और यहां जुड़ने का जब अभाव हो गया तो इतिहास अतीत का वो पन्ना हो गया जिसे पलटते हुए बच्चों को पूरी तरीके से मतलब एक मजबूरी नाम की चीज उनके सामने पैदा हो जाए। आप चीजों को उसी रूप में समझे जैसे आज खड़े हैं, आज जो व्यवस्था है वही तब थी, बस कुछ नामों में परिवर्तन हुआ है। एज इट इज सारी की सारी वर्तमान में व्यवस्था और एज इट इज समकालीन उस समय की व्यवस्था वही थी जो पूरी तरीके से आपके सामने और आपके आमने मतलब जो भी रूबरू या घूम रहा है आपके आसपास वो सारा का सारा कहानी किस्सों के रूप में उसी अनुरूप लेते रहे जिस अनुरूप उसे होना चाहिए। तो समझिए कि उस समय की जो व्यवस्था है वो आपके सामने किस तरीके से है ये समझ लीजिए। स्थानीय शासन की जब आप बात करते हैं, स्थानीय शासन आज एक बात बताओ भारत के अंदर किस तरीके से होता है। भारत के अंदर ग्राम पंचायत होती है, भारत के अंदर क्षेत्रीय पंचायत होती है, भारत के अंदर जिला पंचायत होती है। ये नगरीय प्रशासन, ये स्थानीय प्रशासन जो आज खड़ा है ये आपने नहीं खड़ा किया। इस बात को पूरी तरीके से दिमाग में उतार ले, जो पूर्ववर्ती व्यवस्थाएं हैं उन पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं में बस थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर देने से चीजों को एज इट इज और हूबहू रखा गया है तो कुल मिलाकर जो चीज घटित हुई है भारत के संविधान में या भारत के समाज में या भारत की राजनीति में वो है ट्रांसफॉर्मेशन, चीजों का रूपांतरण या बदलाव। उसी प्रकार से आज का स्थानीय शासन खड़ा है, उसी प्रकार से आज का प्रांतीय शासन खड़ा है और उसी प्रकार से आज का नगरीय शासन भी खड़ा है। भाई नगरों के अंदर की व्यवस्था आपने देखी होगी कि नगरों के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। यही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत भी खड़ा था, यही जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आज भी खड़ा है। आज आपने एक नया नाम उसे दे दिया कि स्मार्ट सिटीज, अब ना तो भारत के लोग स्मार्ट हैं, तो फिर एक बात बताओ कि स्मार्ट सिटीज का निर्माण कैसे हो। इन स्मार्ट सिटीज पर जो प्रशासन खड़ा है वो पूरी तरीके से नगर निगम या नगर निकाय जैसी व्यवस्थाओं पर खड़ा है। जिस प्रकार नगर निगम का एक सर्वोच्च अधिकारी होता है, जिस प्रकार नगर निकाय का एक सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसी प्रकार उस समय भी नगरों के अंदर यही व्यवस्था थी। स्थानीय प्रशासन पर ग्रामों के अंदर वही प्रशासन था, मंडलीय स्तर पर वही प्रशासन था जो आज की कड़ी में एज इट इज हूबहू पूरी तरीके से देखा जा सकता। एक चीज का जो हुआ है बस, तो वो केवल और केवल रूपांतरण हुआ और उसी रूपांतरण उसी ट्रांसफॉर्मेशन फेज को पूरी तरीके से अशोक से लेकर आज तक एज इट इज हम देख रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर इतिहास पढ़ते हुए आप चीजों को करंट से नहीं जोड़ रहे तो फिर इतिहास का मतलब है बस ये, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर इतिहास को आज के रूप में आज के तरीके से पढ़ रहे हैं तो फिर इतिहास का मतलब होगा ये। तो मतलब कुल मिलाकर अचंभे जैसी जो स्थिति पैदा होगी वो कब होगी, जब पूरी तरीके से आप देख रहे होंगे कि यार बदला क्या है, बदला तो कुछ भी नहीं, या कुल मिलाकर ये कहे कि अगर कुछ बदला है तो कुछ नाम बदल चुके हैं, कुछ व्यवस्थाएं जो पुरातन थी उसमें नवीनीकरण हुआ है या जो नवीनीकरण हुआ है उसकी डिमांड थी कि उसका नवीनीकरण होना चाहिए, लेकिन बदला है क्या, बदला तो कुछ भी नहीं है।
तो ध्यान रखिए प्रशासन भी उसी तरीके से, सैन्य संगठन भी वही है, न्याय दंड व्यवस्था भी वही है, प्रांतीय शासन भी वही है, स्थानीय और नगरीय शासन भी वही है, और समाज की बात करें तो फिर पूरी तरीके से कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस वर्ण व्यवस्था के अनुसार पूरी तरीके से ये सारा सिस्टम खड़ा था, जो पूरी तरीके से आज भी भारत के अंदर है, उसी वर्ण व्यवस्था को समाज का आधार बनाकर तब भी पूरी तरीके से शासन किया जाता था। एक नई कैटेगरी समाज की जो आ गई, अभी तक कुल चार वर्ण चार रंगों में विभाजित था समाज। जो सबसे फेयर है वो सबसे अपर, जो उससे थोड़ा कम फेयर है उससे नीचे, उससे कम फेयर है उससे नीचे, और जो सबसे कम फेयर है वो सबसे नीचे। चार वर्णों में विभाजित था समाज, लेकिन कौटिल्य ने या चाणक्य ने या विष्णुगुप्त ने एक इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी इस सोसाइटी के अंदर, वो ये थी कि उसने ब्राह्मणों को भी आर्य कहा, उसने क्षत्रिय को भी आर्य कहा, उसने वैश्यों को भी आर्य कहा और उसने शूद्रों को भी आर्य कहा, कि ये सभी श्रेष्ठ कुल से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन जो एक चीज बची जिसे आर्य नहीं कहा गया या नहीं कहा गया, समझिए, तो वो था मलेच्छ। वो कैटेगरी जो आचार विचार व्यवहार नैतिकता से बिल्कुल पूरी तरीके से पद भ्रष्ट थी, समाज के असामाजिक तत्व, असामाजिक तत्व, गुंडा एलिमेंट्स। तो टोटल गुंडा एलिमेंट्स क्या हो गया? अनार्य। ये चारों क्या हो गए? आर्य। और ये व्यवस्था करने वाले कौन थे? कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र में कुल प्रकार ये था, लेकिन जब मेगस्थनीज ने इंडिका को लिखा, अब देखिए एक चीज बहुत सटीक तरीके से समझने की आवश्यकता है इंडिका के लिए। इंडिका जो लिखी गई वो पूरी तरीके से किसके द्वारा? मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज किसके दरबार में बैठा है? तो गलती से अगर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बैठकर वो शासन और सत्ता की बुराई कर दे तो गर्दन, मतलब समझिए कि अगर पूरे का पूरा साहित्य तंत्र, पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पूरा सोशल मीडिया, पूरा प्रिंट मीडिया शासन और शासनकर्ताओं के हाथ में हो तो उसकी बुराई तो वो करेगा नहीं, और बुराई नहीं करेगा तो मतलब सारा का सारा किसका प्रचार होगा? अच्छा, यहां मेगस्थनीज जब इंडिका लिख रहे हैं तो मेगस्थनीज बिल्कुल तटस्थ होकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भले बैठे हो, वो कह रहे हैं कि साहब ठीक है, आपका समाज जो है चार वर्णों में विभाजित है, लेकिन आपके समाज के अंदर समाज का जो वर्गीकरण है मैं उसे सात रूपों में देख रहा हूं। तो यहां समाज का वर्गीकरण मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में सात रूपों में कर दिया। दास प्रथा थी या नहीं थी, एक प्रश्न चिन्ह है कि दास प्रथा जैसे तत्व उस समय थे या नहीं थे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। मेगस्थनीज लिखते हैं कि थे, लेकिन कौटिल्य लिखते हैं कि दास प्रथा जैसी कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी। तो समाज उसी वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव या असमानता जैसे तत्व मतलब थे तो, लेकिन कुल मिलाकर उतने मतलब गूढ़ रूप से नहीं थे या उतने जटिल नहीं थे जितने उन्हें जटिल होना चाहिए था एज अकॉर्डिंग टू एज कंपेरिजन टू वैदिक सिविलाइजेशन। लेकिन यही अच्छी बात रही मौर्य साम्राज्य के साथ कि इन्होंने जैन और बौद्ध धर्मों को इतना संरक्षण दिया कि जैन और बौद्ध धर्म संरक्षित करने के बाद इन्होंने उसी वर्ग को पूरी तरीके से समर्थन भी दिया जिस वर्ग का ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं रूपांतरण जो है बौद्ध और जैन में हो गया था, चाहे वो सोसाइटी का सबसे निम्न वर्ग हो और चाहे वो सोसाइटी का दूसरे नंबर का वर्ग हो, चाहे वो वैश्य हो और चाहे वो शूद्र हो। क्योंकि ब्राह्मण तो अगर बैठा है तो वो तो सर्वोच्च स्थिति में कौटिल्य बैठा है ना यहाँ, तो क्षत्रिय जो शासन कर रहा है वो पूरी तरीके से क्या हो गया? क्षत्रिय। मतलब कुल मिलाकर जो बात की गई वो कर्मानुसार ही की गई,
क्योंकि अगर कर्मानुसार ना होती चीजें तो शायद एक शूद्र का बच्चा कभी शासन और सत्ता में ना आता। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बहुत बड़े बड़े इतिहासकारों ने जब इनकी जाति व्यवस्था, जब इनके वर्ण को ढूंढा तो पता चला कि वो शूद्र थे। तो उस व्यवस्था में अकॉर्डिंग टू कर्म शूद्र कभी शासन नहीं कर सकता, वो सेवा कर सकता है, लेकिन शासन भी कहीं ना कहीं एक सेवा ही होती है। ये बात समझाने वाला अगर पहली बार कोई सामाजिक वैज्ञानिक था तो वो था हमारे पास कौटिल्य। तो अगर आप इसे कुल मिलाकर इस व्यवस्था को आज इस तरीके से ब्राह्मण क्षत्रिय, तो जितना भी शिक्षक वर्ग है वो तो हो जाएगा ये भाई, जितना भी सोसाइटी का शिक्षक वर्ग है वो तो टोटल और टोटल हो जाएगा ब्राह्मण, चाहे वो किसी भी प्रकार से किसी भी टाइटल से बिलोंग करता हो, और जो शासन कर रहा है वो हो जाएगा ये शासन। जितना भी व्यापारी है, चाहे वो ब्राह्मणी क्यों ना हो, चाहे वो क्षत्रिय क्यों ना हो, चाहे वो शूद्रीय क्यों ना हो, वो सारे का सारा हो जाएगा वैश्य। और जितना भी सेवा कार्य कर रहे हो, चाहे प्रशासन के नाम पर, चाहे शासन के नाम पर, चाहे समाज के नाम पर, वो सारा का सारा वर्ग ग्रुप डी से लेकर आइए स्पीसीएस सब सारे के सारे क्या हो जाएंगे उस अवस्था के अकॉर्डिंग शूद्र। किसके अकॉर्डिंग? कर्मा के अकॉर्डिंग। आपके कर्मानुसार व्यवस्था तो ये हो जाएगी। व्यवस्था जटिल नहीं है, व्यवस्था बहुत अच्छी खासी है, और व्यवस्था की जटिलता न होने के कारण पूरी तरीके से समाज जो है वो सुसंगठित रूप से संचालित भी होता चला गया। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि अशोक के बाद कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं मिला जो अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार की तरह शासन और सत्ता को संभाल पाता। तो बात करेंगे कि इसके पतन क्या हुआ क्या नहीं। तो फिलहाल बात कर रहे हैं समाज की, इसके बाद बात करते हैं वाणिज्य व्यापार, और उसी के साथ साथ यहाँ डिस्कस कर लेंगे मुद्रा को भी। तो आप चाहे तो मतलब चीजों को नोट करते रहें और चाहे लेक्चर के माध्यम से चीजों को सुनते रहें। तो बात करते हैं इसके वाणिज्य और व्यापार की, जो ट्रेड हुआ, जो व्यापार हुआ वो किस किस्म का था, और उस समय भी भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही था। आज भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार कृषि ही है। एग्रीकल्चर में ये लोग तीनों प्रकार की फसलों का इस्तेमाल करते थे, चाहे वो रबी की फसल हो, चाहे वो खरीफ की फसल हो, और चाहे वो जायद। तो तीनों प्रकार की या हर प्रकार के मौसम की फसलों का पूरी तरीके से यहाँ प्रचलन था, लेकिन जो नाम था वो हेमंत, ग्रेमसिक और केदार के रूप में, यानी कि रबी को, रबी फसलों को कहा गया हेमंत, खरीफ फसलों को कहा गया ग्रेमसिक, और जायद फसलों को कहा गया केदार। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट कॉलम हो जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। लेकिन जो बच्चे अभी भी सीरियस नहीं है, सजग नहीं है खुद के भविष्य को लेकर, तो खुद के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें प्लीज। तो ये सुनहरा अवसर है आप सभी लोगों के पास कि इस समय अगर आपने अपने जीवन से संबंधित फैसला ले लिया कि आपको ये करना है तो आप कर सकेंगे, अन्यथा फिर वही बातचीत है कि मतलब भीड़ तंत्र है, भीड़ है, भीड़ का हिस्सा है, पहचान तो है लेकिन गांव तक भी सीमित नहीं है, मतलब गली मोहल्ले में भी परिचय देना पड़ता है कि भाई मैं फला का लड़का हूँ, ठीक। तो पहचान आपकी उस दिन बनेगी जिस दिन आपके माता पिता आपके नाम से जाने जाएंगे, मतलब ये कि यार ये तो फला आदमी के माँ बाप है, तो मतलब तब बातचीत बनेगी कि हाँ यार असल में हमने कुछ ऐसा किया है कि आज जिससे पूरी तरीके से हमारी पहचान बनी। तो अगर सरकारी नौकरी, चूंकि उसमें यहाँ प्रतिशतों में चला जाता है मामला, हर बच्चा सरकारी नौकरी के पीछे लगा है, सरकारी नौकरी है ही काम मुझे ये बताओ, और सरकारी नौकरी अगर है भी तो वहां फाइट इतनी ज्यादा है कि फाइट करे तो फिर किससे करे, इन लाखों करोड़ों बच्चों से या खुद के साथ? तो फाइट तो खुद से ही करनी है और खुद से ही करनी पड़ेगी, तो फाइट खुद से करो। लेकिन अगर हार भी जाओ तो हारने के बाद भी तुम्हें अर्जुन से श्रेष्ठ वो पद मिले जो मिला पूरी तरीके से अभिमन्यु को, कि हारने के बाद भी वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन जो वीरगति थी वो ऐसी थी कि अर्जुन न केवल सैल्यूट मारता रह गया बल्कि श्री कृष्ण को भी ये कहना पड़ा कि पुत्र हो तो अभिमन्यु जैसा। तो हार भी जाओ तो आपकी हार के चर्चे इतने मुकम्मल हो कि जीतने वाले की औकात कहीं ना कहीं तुमसे छोटी पड़ जाए। तो समझिए चीजों कि किस तरीके से यार तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था रखी गई, सॉरी अर्थव्यवस्था में कृषि का आधार रखा गया, हेमंत रबी की फसलें, ग्रेमसिक खरीफ की फसलें, और केदार जायद की फसलें। उद्योग धंधों की अगर बात करें तो एक चीज ये थी
कि जब पर्शियन भारत के अंदर आए, जब यूनानी भारत के अंदर आए, वो हमें कुछ भी देकर नहीं गए। ऐसा समझिए कि अगर वो कुछ भी देकर नहीं गए तो वो हमें जो चीज देकर गए हैं वो है चार बड़े स्थल मार्ग, जिसने भारत के वाणिज्य व्यापार को यूरोप से जोड़ा। चार बड़े जलमार्ग जिसने भारत के वाणिज्य व्यापार को अफ्रीकन कंट्री से लेकर पूरा का पूरा, ये कहे कुल मिलाकर जो आज की अरेबियन कंट्रीज है, उनसे पूरी तरीके से जोड़ दिया। और ये वाणिज्य व्यापार इतना अच्छा खासा फला फूला कि उद्योग धंधों की श्रेणियों को स्थापित करना पड़ा मौर्य साम्राज्य। मतलब श्रेणी नंबर एक, तो नंबर एक श्रेणी का नाम ही श्रेणी है, जो शिल्पियों से निर्मित होती है। दूसरा है निगम, जो व्यापारियों से स्थापित होता है। तीसरा है संघ, जो बड़े बड़े महाजनों से स्थापित होता है। चौथा है सातवाह, जो अनाज जब उसे स्टोर किए गए, जो आड़ती है, जो मंडी में बैठा आड़ती आपका अनाज लेता है, उसे कहा गया समय। इन संगठनों के कानून का मतलब समूह है। समय का मतलब यहाँ टाइम से कतई भी नहीं है, तो यहाँ समय का मतलब है संगठनों के कानून का समय। वाणिज्य व्यापार फलता फूलता भी क्यों ना, क्योंकि शासन जिस नीति पर बैठा है वो फिलोसफी ही क्या है, अहिंसा। और अगर शासक अहिंसक नहीं होगा तो यार सारे के सारे लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करना चाहेंगे भारत के अंदर कि यार भारत की मार्केट तो बहुत अच्छी है, क्योंकि भारत की मार्केट सेफ है। भारत के अंदर क्या है कि शासक वर्ग का धर्म ही क्या है, बोध। और शासक का धर्म बोध होने से, या शासक का धर्म जैन होने से, या शासक आजीविक संप्रदाय के जाने से पूरी तरीके से जिस चीज का फॉलोवर बना, वो फॉलोवर बना किसका, अहिंसा का। और अहिंसा स्थापित हो जाने से सोसाइटी के अंदर की मार्केट हो गई सेफ। और सेफ जोन में सभी व्यापारी, चाहे वह छोटे स्तर का है, सभी व्यापारी चाहे वह बड़े स्तर का है, पैसा इन्वेस्ट करने का पूरा प्लान बनाएंगे। और पैसा और पूंजी इतने बड़े रूप में आ जाएगा कि भारत के अंदर की अगर स्टैचूज की बात करें उस समय की, जो राजा ने पूरी तरीके से बनाए उस समय के, तो आज भी कहीं ना कहीं विचलित करते हैं भारतीय इतिहासकारों को कि उस समय की जो कला शैली थी, उस समय का जो एक मतलब तकनीक था, वो कहीं हमसे ज्यादा उन्नत और हमसे ज्यादा आगे की थी। क्योंकि ये तभी हो सकता है जब हमारे पास अच्छे रूप में क्या हो, पूंजी। और पूंजी भी उस समय दो प्रकार की है, एक तो तांबे की और एक चांदी। तो मतलब कुल मिलाकर चांदी का ही सिक्का है यार। जिस दौर में चांदी का सिक्का हो वो दौर क्या रहा होगा, समझिए। जिस दौर में सोने की मुद्राएं हो वो दौर क्या रहा होगा, समझिए। ये दौर तो लोहे का है, लोह युगीन सभ्यता चल रही है। मतलब जो एक रुपए का सिक्का भी है तो वो किसका है, लोहे का। मतलब लोहे तक आकर सीमित हो गए। कहां तो हमने स्टार्टिंग की थी, कभी स्वर्ण मुद्राओं से, कभी चांदी की मुद्राओं से, और कहां आज आकर एक कागज के टुकड़े पर हम लोग पूरी तरीके से क्या हो गए, सिमट कर रह गए। ये संकेत ही तो है कि ये 2000 का नोट है, और ये तब तक संकेत है जब तक राजा की नजर में ये पूरी तरीके से मतलब मान्य है। और जिस दिन अमान्य हो जाएगा उस दिन नोटबंदी जैसे ऐसे आपको झेलने पड़ेंगे। तो मतलब जो मुद्रा भी है वो एक प्रकार का क्या है, संकेत। उस समय जो सांकेतिक मुद्रा के रूप में सारी की सारी चीजें है वो तांबे और चांदी में कर दी गई विभाजित। तांबे के चार प्रकार के सिक्के और चांदी के चार प्रकार के सिक्कों का प्रचलन बड़े पैमाने पर था और इसे वाणिज्य व्यापार में रखा गया था। हालांकि पुरातात्विक या एक्सकेवेशन या आर्कियोलॉजिकल तरीके से इन सिक्कों को इतने अच्छे खासे रूप में प्राप्त नहीं किया गया है। जो भी लिटरेरी सोर्सेज हैं या लिटरेचर में जो लिख दिया गया है उसी को आधार बनाकर इतिहासकार अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये देते हैं कि उस समय तांबे के चार सिक्के हैं माशक, अर्धमाशक। एक तो माशक हो गया, एक माशक का आधा हो गया अर्धमाशक, एक काकणी हो गया, एक काकणी का आधा हो गया अर्ध काकणी। तो चार प्रकार के सिक्के, समझिए कि एक रुपया है, एक रुपये का आधा हो गया अठन्नी, तो अर्ध मतलब अर्ध रुपया अठन्नी, अठन्नी का भी आधा हो गया चवन्नी। तो अब चवन्नी को जहां तक ले जा सकते हैं, एक पैसा तक आप लेकर जाए। तो तांबा माशक या अर्धमाशक दो प्रकार है, काकड़ी और अर्धकाकड़ी दो प्रकार है। चांदी के चार प्रकार के सिक्के पर्ण नंबर एक पर, उसके बाद अर्धपर्ण, पाद और उसके बाद अष्टभाग। तो चार प्रकार के सिक्के तांबे के और चार प्रकार की मुद्राएं जो है आपकी चांदी की।
तो तांबा और चांदी के रूप में मुद्राएं हमारी उस समय की रही। कला और साहित्य की अगर बात करें तो उस समय के बड़े लिटरेचर्स की चर्चा हम लोग कर चुके थे अपने सबसे ही पहले टॉपिक जिसका नाम था द राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर पार्ट वन। देखिए किस तरीके से यहाँ फलना फूलने लगा है सारे का सारा सिस्टम। इस चीज को समझिए, कौटिल्य पुस्तक लिख रहे हैं अर्थशास्त्र, विषय है राजनीति। मेगस्थनीज पुस्तक लिख रहे हैं इंडिका। कलहण पुस्तक लिख रहे हैं राजतरंगिणी। हेमचंद्र पुस्तक लिख रहे हैं परिशिष्ट पर्व। विशाख दत्त पुस्तक लिख रहे हैं मुद्रा राक्षस। ये देखिए कि कला और साहित्य मतलब अब उन्नत किस्म की होने लगी हैं। साहित्य की बात करें तो लिटरेचर इतना भरमार है, इसके साथ साथ बौद्ध और जैन ग्रंथों ने इतना लिखा मौर्य साम्राज्य के बारे में कि साहित्य का विकास पाली, प्राकृत, संस्कृत, यूनानी, ब्राह्मी, क्रोस्टी, मतलब वो लिपि भी अडॉप्ट की गई जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है और वो भाषा भी अडॉप्ट की गई जो लोकल लेवल पर काम करती है। तो यही भाषा का विकास भी हुआ प्राकृत और पाली जैसी भाषाओं को बल मिला, तो वहीं ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमेक लिपि इज अ वे ऑफ राइटिंग, मतलब आप यहां से लिखना शुरू करते हैं यहां खत्म कर देते हैं, यहां से फिर लिखना शुरू करते हैं यहां खत्म कर देते हैं, तो ये एक प्रकार की लिपि। कुछ लिपि में ऐसा होता है कि यहां से शुरू किया फिर यहीं से आप मुड़ गए, तो इस तरीके से पहले ये लाइन यहां पूरी की फिर ये यहां से लिखना शुरू करें। तो लिपि इज वे ऑफ राइटिंग, मतलब जिस भी किसी भाषा को जिस तल को आधार बनाकर लिखा जाता है वो आपकी लिपि कहलाती है। और भाषा तो आपको पता ही है, आप सभी लोग परिचित हैं। तो उन समय दो बड़ी भाषाओं को बल मिला, प्राकृत और पाली, ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमेइक, ये कुछ ऐसी लिपियां हैं जिन्हें पूरी तरीके से कला और साहित्य के रूप में मतलब चिन्हित किया जा सकता है। अब एक बात और समझ लीजिए, कला की जब हम बात करते हैं तो उस समय का जो आर्किटेक्चर है वो इतना अच्छा खासा उन्नत किस्म का है कि वो आज के बड़े बड़े इंजीनियर्स को क्या कर दे, मात देते। और आज के बड़े बड़े इंजीनियर्स भी उस समय के आर्किटेक्चर को देखकर मतलब पूरी तरीके से अचंभे में चले जाते हैं। तो समझिए किस तरीके से आर्किटेक्चर खड़ा है कि एक और अशोक ने एक नई परंपरा शुरू की अभिलेख, चाहे वो शिलालेख हो पत्थरों पर लिखा गया हो, चाहे वो गुहालेख हो गुफाओं में लिखा गया हो, और चाहे वो कॉलम पर लिखा गया हो स्तंभ लेख। तो कुल मिलाकर अभिलेख पूरी तरीके से प्रचलन में आए किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। कौन से साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य के अंतिम टॉपिक की बात कर रहे हैं, इसके बाद इसके पतन की बात करेंगे। केवल अभिलेखों का अच्छा खासा विकास हुआ, बड़े पैमाने पर स्तूपों का निर्माण हुआ। तो ये सारी की सारी चीजें क्या थी, कला और साहित्य को दर्शाने वाली चीजें थी। मतलब यक्षगान करती हुई मूर्तियां यहां से प्राप्त होती हैं, गांधार शैली पूरी तरीके से जड़ कर चुकी है, मथुरा शैली अभी पूरी तरीके से विकसित हो रही है धीरे धीरे, मतलब मूर्तियों को बनाने का एक नया तरीका आ चुका है, भवनों को सजाने का एक तरीका आ चुका है, अभिलेखों को सजाने का एक तरीका आ चुका है। तो ये सारे तरीके मिलकर सारे के सारे किस सीरीज में चले जाएंगे, हमारे कला और साहित्य के अंतर्गत। नाउ बात करते हैं द डिक्लाइन ऑफ मौर्य साम्राज्य। The decline of
मौर्य एम्परर। तो एक मिनट रुकिए, तो हमने सबसे पहला मतलब आज का टॉपिक जो शुरू किया था वो एक तो किया था प्रशासन से, जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था उससे पूरा का पूरा, ठीक है। प्रशासन के बाद हम लोग सैन्य संगठन और उसके बाद न्याय, दंड, प्रांतीय, स्थानीय और नगरीय शासन की हमने बात की, यहाँ फोकस करें प्लीज। एक समाज की बात की, वाणिज्य व्यापार की बात की, फिर मुद्रा की बात की और कला साहित्य की बात की। अब हम लोग बात करेंगे द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्परर या द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर या द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी या पूरी तरीके से कहें तो मौर्य साम्राज्य का पतन। पतन के कारणों पर चर्चा कर रहे हैं, हालांकि कारण इससे कहीं ज्यादा अत्यधिक हो सकते हैं, होंगे भी, हैं भी, ठीक है। लेकिन यहाँ चीजों को पूरी सटीकता के साथ रखा गया। एक तो अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी है, पहली बात तो ये क्लियर हो जाए कि पिछली बार मैंने एक चीज कही थी आपको इससे पूर्व की वीडियो में कि राजा का बेटा राजा नहीं होता, पहली बात तो ये। और अगर राजा का बेटा राजा होता भी है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो राजा उससे पहले अच्छे रूप में खड़ा था उसका बेटा उस शासन को उसी रूप में संचालित करने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरी बात ये, अशोक के बाद ये सबसे बड़ी दिक्कत हुई कि अशोक के बाद के जो उत्तराधिकारी थे वो इतने अयोग्य किस्म के थे या इतने निर्बल थे कि उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम जो उनके बाप दादाओं ने खड़ा करके दिया था उस सिस्टम को पूरी तरीके से संचालित और गतिशीलता में वो नाकामी दिखाई जो पूरी तरीके से हर बार इतिहास के अंदर ये देखने को मिला है। और अगर ऐसा होता है कि हर बार एक कुशल शासक ही मिलता तो पिछले 3-4 हजार सालों से हम लोग एक ही वंशावली के राजा को पूरी तरीके से भोगते आ रहे होते। तो मतलब अयोग्यता भी इस बात का सूचक है कि फिर कहीं ना कहीं अयोग्यता के बाद एक योग्य शासक मिलेगा। तो इसके बाद भी फिर हम बात करेंगे कुछ और वंशों की, डिस्कस करेंगे। तो कुछ अयोग्य शासक रहे, निर्बल उत्तराधिकारी रहे, तो इसे तो हटाइए कि अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारियों का क्या था, पूरी तरीके से संख्या में ज्यादा हो गए। और कुल मिलाकर बात करें कि अशोक के बाद 10-11 लोगों ने और शासन किया, लेकिन ना तो कोई चंद्रगुप्त जैसा बन सका और ना ही कोई कभी अशोक जैसा बन सका। एक तो ये दिक्कत हो गई कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका अतिशय केंद्रीयकरण हो गया, मतलब राजा एक क्षेत्र तक रहकर सीमित हो गया। ये जो व्यवस्थाएं थी इन पर उसका कोई ध्यान नहीं था और इन व्यवस्थाओं पर ध्यान न होने के कारण जो यहां पर खड़ा हुआ इस 800 ग्राम का, 400 ग्राम का, 200 ग्राम का प्रमुख उत्तराधिकारी था उसके अत्याचार से जनता इतनी भयभीत हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपने आप को ऊपर उठाने के लिए टैक्सेशन पॉलिसी को इतना खतरनाक गंदी तरीके से अप्लाई कर दिया कि अब राजा जो है यहाँ की बातों में दिलचस्पी नहीं लेता, यहाँ का आदमी यहाँ की बात में दिलचस्पी लेकर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश में लगा। तो फिर हर संगठन के साथ यही हुआ, राष्ट्रीय चेतना का अभाव तो आना ही था कि जो चक्र इस रूप में कहीं ना कहीं स्थापित था अशोक के शासन काल तक, वो चक्र टूट कर पूरी तरीके से क्या हुआ, राजा तक सीमित रह गया। दिक्कत ये हो गई, राष्ट्रीय चेतना का अभाव हो गया, मतलब कुल मिलाकर अगर नेशनलिज्म की बात करें तो वो पूरी तरीके से क्या हो गई, खत्म सी हो गई, ठीक है। आर्थिक और सांस्कृतिक असमानता है, वाणिज्य व्यापार इतना हावी हो चुका था भारत के अंदर कि उसे कंट्रोल करने वाली जो बॉडीज थी वो या तो अपने आप को राजा बनाने में ऊपर उठा रही थी या वो पूरी तरीका पूरे हर प्रकार से इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही थी कि पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था को संचालित किया जाना चाहिए। तो वर्तमान में भी कुछ कुछ चीजें ऐसी घटित हो रही है, हालांकि मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन चीजों को समझते रहिए कि ये जो परिवर्तन का दौर आया 2014-15 के बाद इसने इकोनॉमी को इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से मतलब ऐसा बना दिया कि लोग ये समझने में मुश्किल कर जाते हैं कि ये चीज आ कहां से रही है, ये धन हमारा जा कहां रहा है, किस रूप में एकत्रित होता है, कैसे इकट्ठा होता है, कैसे फिर इसे जनता के कामों में लगाया जाता है। मतलब कुछ इस तरीके की चीजें समझिए कि एकदम से या तो वाणिज्य व्यापार घट जाए तो दिक्कत, और वाणिज्य व्यापार एकदम से बढ़ जाए तो दिक्कत, बढ़ जाए तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल और घट जाए तो फिर घाटे की स्थिति से उबरना मुश्किल।
कुछ सांस्कृतिक असमानताएं थी, ठीक, कुछ आर्थिक असमानताएं आई, कुछ सामाजिक असमानताएं आई, फिर प्रांतीय शासकों के अत्याचार, मैंने भी बताया कि टैक्सेशन पॉलिसी को इन लोगों ने करों की अधिकता को इतना ज्यादा आरोपित कर दिया कि जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी, और फिर पूरी तरीके से एक अंतिम उत्तराधिकारी के रूप में जब पूरी तरीके से भद्रत शासन और सत्ता में उस समय स्थापित है, यानी कि ये मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम उत्तराधिकारी है। सबसे सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य, द्वितीय याद रखने की जरूरत नहीं है, रखेंगे तो ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, मतलब सॉरी इंपोर्टेंट कह रहा हूँ कि रखे ना रखे बात देखिए, उसके बाद अशोक, और फिर उसके बाद तो मतलब शाली, शुकदेव, वर्मन, सत, धनुष, और एक के बाद एक ताबड़तोड़ शासक हुए, और अंतिम जो शासक था भद्रथ। भद्रथ की हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र सुंग के द्वारा कर दी गई, जो पूरी तरीके से ब्राह्मण था। तो मतलब कुल मिलाकर अब भद्रथ की हत्या कर दी जाएगी पुष्यमित्र सुंग के द्वारा, या आप इसे किस्म से षड्यंत्र कहें, या आप इसे ये कहें कि राज्य को चलाने में जब सक्षम नहीं है शासक, तो उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद पुष्यमित्र सुंग ने अपने ही शासन को स्थापित कर लिया, और अपने ही शासन को स्थापित करने के बाद जो नवीन सत्ता या संस्कृति भारत के अंदर एक बार पुनः आई वो थी ब्राह्मण साम्राज्य। भारत के इतिहास में हालांकि मेसोपोटामिया, मिस्र और मगन क्रेट या आसपास के सभ्यताओं की बात नहीं कर रहा हूं, उनमें निरंतरता कभी देखी नहीं गई है, लेकिन जब भारत के इतिहास की बात करें तो इंडस वैली से 1947 तक एक भी सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं है जो अपने पूर्ववर्ती टॉपिक से जाकर जुड़ता ना हो। अब टीचर उसे किस रूप में पढ़ाता है वो निर्भर करता है उसकी खुद की गुणवत्ता पर, कि वो चीजों को जोड़कर पढ़ाता है या वो अलग अलग विखंडित रूपों में उसे पढ़ाता है। अगर भद्रथ की हत्या हुई है पुष्यमित्र सुंग के द्वारा, और पुष्यमित्र सुंग का वर्ण है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ, और यहीं से सुंग, कर्णव और आंध्र सातवाहन वंशों का क्या हुआ, उदय हुआ। और इसी उदय होने के कारण अगला जो टॉपिक होगा हमारा पूरा एक लेक्चर में, मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे चीजों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक स्टोरी के रूप में आपके दिमाग में पहले फिट कर दूं कि चीजों में जब निरंतरता आई या चीजें एक दूसरे से जुड़ती जब चली गई तो किस तरीके से भारत के इतिहास का विकास होता चला गया। भद्रथ की हत्या पुष्यमित्र सुंग के द्वारा, और पुष्यमित्र सुंग पूरी तरीके से ब्राह्मण, ब्राह्मण साम्राज्य का पूरी तरीके से उदय, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बाद जो उदय हुआ वो किसका हुआ, ब्राह्मण साम्राज्य का। शुरुआत भारत के इतिहास के हम कहां से कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आपके दिमाग के अंदर एक सीरीज फिट हो जाए। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन, जैन एंड बौद्ध धर्म, उसके बाद आपका पूरी तरीके से महाजनपदास, महाजनपदा में मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य के पतन के बाद मौर्य साम्राज्य, और अब मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पूरी तरीके से ब्राह्मण साम्राज्य आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन 8 टॉपिक में कोई अगर ये कहे कि इनमें पूरी तरीके से असमानता है तो शायद उसने इतिहास अच्छे से पढ़ा नहीं। यहाँ किसी प्रकार की कोई असमानता नहीं है, हर टॉपिक अपने पूर्ववर्ती टॉपिक से जुड़कर मिलता है, मतलब कुल मिलाकर ब्राह्मण साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। ब्राह्मण साम्राज्य के अंदर क्या दिक्कतें होंगी, किस प्रकार से भूमि का वर्गीकरण होगा, किस प्रकार से टैक्सेशन पॉलिसी होगी, किस प्रकार से राज्य को संचालित किया जाएगा, और फिर किस प्रकार से ब्राह्मण साम्राज्य के अंत के बाद कुषाण और फिर पूरी तरीके से गुप्त पूरी तरीके से जड़ कर जाएंगे, ये भी हम अगली सीरीज में कहीं ना कहीं अगली कड़ी में डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए अलविदा, और कल इंतजार रहेगा दोस्तों आपका भी, और कहीं ना कहीं मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, बखूबी अपना नाम रोशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, जय भारत।